डिग गया। क्या खिला उसको, क्या हुआ? उन पेट दर्द करने लगा। पेट दर्द करने लगा? हाँ। क्या टिक्का टिक्का खिलाया था? बात रे बा, ए हंसो मत, रो मत। क्या खाई थी? बोल बोल। क्या खाई थी उल्टी हुआ? हाँ, कौन दिया था टिकिया? भागलपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भागलपुर शहर के उर्दू बाजार स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि आधे दर्जन से अधिक बच्चों को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में फाइलेरिया की दवाई बच्चों को दी जा रही थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजन वहां पहुंचने लगे और जमकर बवाल काटा। परिजनों ने प्रधानाध्यापक के साथ भी हाथापाई की है। वही घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर एम्बुलेंस भेजी गई और आधा दर्जन से अधिक बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हाँ, पता नहीं किस चीज का खिलाया गया था। क्या बोला? क्या बोला? सरकार आया, सबको बुलाया, लाइन में लगाया, खिलाने के। उसके बेहोश होने लगा। हाँ, है आधा बच्चा हो गया होगा। हाँ हाँ, चक्कर ऐसा हो न? हमने खाया नहीं। मयागंज ले। कौन खिलाया था दवाई? वो उधर से आया था बाहरी। या स्कूल में दवाई कौन खिलाया? स्कूल में सर लोग खिलाया। सर लोग खिलाया? हाँ। खाने पर ही दवाई? ना, बस ये पेट खाया था दवाई। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहित कुमार। तो यहाँ आए तो देखो, यहाँ बहुत सारा बच्चा का जो है कि पूरा हिस्सा खराब था। फिर हम उसको ले गए हॉस्पिटल। ये दवाई डॉक्टर था, प्रिंसिपल से पूछा गया। जब कि प्रिंसिपल को कि आप किससे पूछ के दवाई खिलाएं, तो प्रिंसिपल और सारे स्कूल के मास्टर सब भाग गए यहाँ से। दवाई खिलाने के बाद क्या हुआ? बच्चा अचानक से बेहोश होने लगा, उल्टी होने लगा। मेरे बच्चे को पूरा सांस अटक रहा है अभी हॉस्पिटल में। पर डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कि अभी ठीक है वो। कितने बच्चे बीमार हैं यहाँ? करीब अभी 100 से प्लस बच्चे गए हैं हॉस्पिटल। 3 गाड़ी गया है मायागंज और 2 एक बंदे को अपने से बाइक से पहुँचा के आए हैं अभी हम। बच्चों की स्थिति गंभीर है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा गंभीर है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार यादव हुआ। यही घर है मेरा, उर्दू बाजार। कौन पढ़ता है यहाँ? मेरा भाई का बेटा पढ़ता है उर्दू बाजार में। उर्दू बाजार के ठाकुरबारी मंदिर प्रांगण में ये उर्दू मध्य विद्यालय है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, माध्यमिक बच्चे पढ़ते हैं। अचानक सूचना मिली कि बच्चे बेहोश होते जा रहे हैं, तो सूचना देने पे वहाँ से 2 एम्बुलेंस आया है। बेहोश जो बच्चे थे, बीमार थे, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज, उनको एम्बुलेंस से ले जाया गया है। और एम्बुलेंस अभी भी आई है। लगभग बच्चे सब जो भी गए, अब तो हॉस्पिटल में पता चलेगा क्या मामला और कैसे बेहोश हुए, ये भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि जो दवाई, कुछ दवाई खिलाया गया बच्चों को, हाँ, कोई रिलेटेड दवाई खिला गया, जिसके कारण लगभग बच्चे बेहोश होते चले गए। बच्चे अब 2 एम्बुलेंस से गया है बच्चे। हमको लगता है दर्जन तो अच्छे, हमको लगता है दर्जनों, हाँ, भगदड़ की स्थिति तो माहौल तो है ही। जो बच्चे से जुड़े जितने अभिभावक हैं, अगल बगल मोहल्ले के सारे लोग जुटे हुए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह शांति व्यवस्था कायम रहे। यहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं। डिग गया। क्या खिला उसको, क्या हुआ? उन पेट दर्द करने लगा। पेट दर्द करने लगा? हाँ। क्या टिक्का टिक्का खिलाया था? हेलो, बोला कि आप पेट में जोक हो जाएगा। दवाई दिया आपने? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर माथा दर्द करने लगा। उल्टी होने लगा? ये बार उल्टी हुआ तुमको? हाँ, एक बार। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज मुखा। क्या खाई थी? बोल बोल। क्या खाई थी उल्टी हुआ? हाँ, कौन दिया था टिकिया? कौन दिया था टिकिया? डॉक्टर? अच्छा, उसका उल्टी होने लगा। हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मध्य विद्यालय उर्दू बाजार राधाकृष्ण ठाकुरबारी कैंपस में है। आज अचानक बच्चों को फलेरिया का दवाई दिया गया तो वो बेहोश होने लगे। भूखे बच्चे आने के कारण या तेज धूप के कारण इस तरह की घटना घटी।
त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया। 10 से 15 की संख्या बच्चे का है। 2 एम्बुलेंस तुरंत आया। अनुमंडल कार्यालय में संपर्क किया गया और ग्रामीणों का जब भीड़ लगने लगा तो तुरंत सम्मानित अध्यक्ष ततारपुर के अनिल जी भी आए और हेडमास्टर हमारे जो स्कूल के हैं सुनील झा साहब और बाकी शिक्षक शिक्षिकाएं भी कंसस होके सबों ने बच्चों को और ग्रामीणों को अस्पताल भेजने का काम किया और अभी सारे बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं ग्रामीणों से यही कहूंगा कि जिनके भी बच्चे अस्पताल गए हैं वो अस्पताल जाएं और स्कूल कैंपस को पूरी तरह से खाली कर दें और किसी प्रकार का भी कोई भ्रम में न जाएं। जो हमें सूचना मिली थी कि उर्दू बाजार स्थित जो विद्यालय बंद विद्यालय है उसमें कुछ बच्चे बीमार हुए हैं, इसकी सूचना के सत्यापन के लिए हमने थानाध्यक्ष महोदय के यहाँ पर भेजा था। हमने बड़े स्तर को भी बड़े स्तर पर भी हमने DM साहब को SDM साहब को सबको सूचित किया गया है और उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया यहाँ पे और सभी बच्चों को पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी क्यों ऐसी स्थिति हुई है, क्या हुआ है, इस पर अभी जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति कैसी है? अभी फिलहाल किसी तरह की कोई मातहत होने की सूचना नहीं है, उनका इलाज हो रहा है और सभी बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। परिजनों से क्या बात हुई सर आपकी? अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, सभी बिंदु पर जाँच कर रहे हैं, परिजनों से भी बातचीत होगी और किसी तरह कोई नुकसान न हो ये सारी चीज़ें हो रही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में अब अगर आप मकान बनाने के लिए सड़कों पर ईंट बालू और गिट्टी गिराएंगे तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। जी हां, भागलपुर के नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार यातायात DSP ने एक टीम का गठन किया और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल भागलपुर के शहरी क्षेत्र में हर समय जाम की समस्या बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगे दुकान, सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन पार्किंग करना, साथ ही साथ तो लोग घरों को बनाने के लिए ईंट गिट्टी बालू सीमेंट तक सड़कों के किनारे गिरा देते हैं, जिससे शहर में आने जाने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेशानुसार DSP सहित कई पदाधिकारियों को बुलाकर एक टीम गठन किया गया और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई। इसी बाबत आज भागलपुर DSP यातायात आशीष कुमार सिंह ने खुद कमान संभाली और शहर के कई सड़कों के लूप लाइन में कर निरीक्षण किया और जहां गिट्टी बालू ईंट गिरे हुए थे उसको जब्त कर सामान मालिक पर कार्रवाई भी करते दिखे और शहरवासियों को यह चेतावनी भी दी गई कि अगर सड़कों के किनारे किसी तरह का सामान आप घर बनाने के लिए गिराते हैं तो उसे तुरंत हटाएं वरना जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली DM सर का ये है, एक्चुअली ट्रैफिक का थोड़ा भीड़ भी रहता है इंक्रोचमेंट के चलते, बाजार में रोड सकड़ी है और दोनों तरफ से लोग गाड़ियों का परिचालन है, लोग गाड़ी रोड पे लगा देते हैं, कुछ सामान जैसे तैसे घर बनाने के नाम पे तो कोई दुकान तो कोई ठेला लगा देते हैं, उससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। उसके चलते इंक्रोचमेंट हटाने के लिए एक कमेटी की गठन की गई है। तो रोड पर भी आप देखे होंगे कि वो पूरा कंजस्टेड रोड है और गिट्टी गिरा के पूरा ट्रक रात में गिराया तो उसको रात में उठा वही सवेरे नगर निगम की गाड़ियों द्वारा उठाया गया है। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर एक ट्रक और मिनी हाईवा में जोरदार टक्कर हुई जिसमें मिनी हाईवा चालक बुरी तरह से घायल हो गए। बालू लदा मिनी हाईवा जो बांका की ओर से भागलपुर जा रहा था, इसी क्रम में भागलपुर की ओर से खाली ट्रक काफी तेजी से आ रहा था, दोनों में जोरदार टक्कर हो गई। घटना कजरेली थाना अंतर्गत अमरपुर भागलपुर रोड में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही कजरेली थाना और जगदीशपुर थाना पहुंची और घायल मिनी हाईवा चालक को प्राथमिक
प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। घायल युवक असरगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है और ट्रक के नंबर के हिसाब से ट्रक मालिक का पता लगाकर पूछताछ किया जा रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो में ले जाए जा रहे भारी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा गया। साथ में दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ाया गया तस्कर गोड्डा झारखंड के बसंत राय का अजय कुमार और ड्राइवर नीतीश कुमार ग्राम केतपुरा थाना बसंत राय का निवासी है। दोनों गोड्डा थाना का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से भागलपुर की तरफ शराब की खेप ले जाई जा रही है, जिसके बाद टीम गठन कर सन्हौला मोड़ चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग शुरू किया गया। चेकिंग के दौरान कोटो की जांच की गई, जिसमें शराब बरामद हुआ, जिसमें 95 लीटर विदेशी शराब एवं 5 बोरी में 116 लीटर देसी मसालेदार शराब था। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि शराब ऑटो को जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। टीम में शामिल एसआई अजय कुमार, पीएसआई सुधीर कुमार सिंह, एसआई लक्ष्मण शाह, ओम प्रकाश, बम्बम कुमार, विकास कुमार सभी मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से 26 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता है। उन्होंने कहा कि यह कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं, यह एक प्रतियोगिता है जिसको करने से युवाओं को काफी फायदा होगा। साथ ही विश्वविद्यालय कुलपति ने यह भी बताया कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो और इंटरमीडिएट पास हो वह इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं कर सकते हैं। या कोई कोर्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, मतलब केवल प्रोग्राम कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रोग्राम का नाम है एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनिशिएट की गई है। और इसका उद्देश्य है कि जो यंग जो बच्चे हैं, उन लोगों की जिनकी उम्र 18-26 ईयर्स के ही बीच है, और जिन्होंने खासकर इंटरमीडिएट लेवल पर जिनको इंग्लिश की जानकारी है, और जो बच्चे जिनकी घरेलू आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो, वो जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इम्पावर्ड करना, जो युवा हैं उनको लीडरशिप की ओर इम्पावर्ड करना, खासकर वैसे युवा जो समाज के मतलब नीचे तबके के लोग हैं, जो ऊपर तक नहीं।